वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। इससे अस्थमा के दौरे पड़ सकते हैं, बच्चों के फेफड़ों के विकास को नुकसान पहुंच सकता है और यहां तक कि प्रदूषण जानलेवा भी हो सकता है। अमेरिका में लगभग 10 में से 4 लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जहां वे सांस लेते हैं, उसे स्टेट ऑफ द ईयर 2024 में एफ ग्रेड मिला है। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के अधिक स्तर के कारण कई दुष्प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से श्वसन रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीज और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। वायु प्रदूषण का प्रभाव वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोगों पर पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग जो श्वसन तंत्र के संक्रमण से ग्रस्त हैं, जिन्हें श्वसन एलर्जी या कोई श्वसन रोग है, दमा रोगी, हृदय रोगी, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज या कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। इसके अलावा छोटे बच्चे, वृद्ध लोग भी वायु प्रदूषण के प्रभाव से ग्रस्त रहते हैं। आवश्यक है कि वायु में प्रदूषण का अधिक स्तर होने पर बाहर न जाएं, बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और खास तौर पर श्वसन समस्या या कोई अन्य बीमारी के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं।